हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो देखिए गाइस, आज बना रही हूँ मैं बांगड़ा फिश फ्राई। तो आपको मेरी और वीडियो चाहिए तो जाकर देख लेना मेरी वीडियोस में, ओके। तो इधर पे कट लगा रही थी मैं, तो मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा पकड़ रहा था, तो अच्छे से इसको धो देना है, अच्छे से एक पाँच छः पानी में अच्छे से लगा घोल के धो दिया, क्योंकि नहीं तो एक बिसान बास रखती है जाए, इसलिए फिर हल्दी डालकर उसमें धो दिया अच्छे से मैंने। फिर अच्छे से इसको क्या करिए, अच्छे से लगड़ के धोकर मैंने ड्राई करने रख दिया है गाइस। तो चलिए, आज हमने सिंपल सा झटपट वाला, जो कभी भी आप फिश ऐसे ला लेते हैं तो झटपट, और ये है मेरा छोटा सा मोटा सा मिनी व्लॉग गाइस। मैं क्या करूं, दो दिन से मुझे पता नहीं सिर का दर्द शुरू हो गया, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूं, तो कुछ ना समझना गाइस, ओके। तो चलिए, इसमें अदरक लहसुन 1 स्पून भर कर लेकर हूँ, 1 नींबू लेकर हूँ, और धनिया पाउडर 1 स्पून, 1/2 स्पून ये हमारे घर का बना हुआ होममेड गरम मसाला, 1/2 स्पून काले मिर्च, 1 स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, हल्दी 1/2 स्पून, नमक मेरे हिसाब से, और ज़ीरा पाउडर 1 स्पून, ये सारे मिलाकर डाल रही हूँ। और फिर पहले नींबू डाल दूँगी गैस, देखिए पहले तो नींबू अच्छे डाल देंगे तो आपको इसके बीज निकाल रही हूँ तो अच्छे से मसाला लगेगा। अगर आपको इमली का पल्प भी डालना है तो पहले लगा देना, बाद में अदरक लहसुन लगाना, यहाँ कट करिए, ओके गाइस। तो मैं झटपट वाला सिंपल सा इजी बेस्ट वे वाला आपको दिखा रही हूँ, तो झटपट लगाना, झटपट या गाइस। ये है ना, 1/2 आवर मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसको अच्छे से लगा कर, देखिए नींबू अच्छे से लगा दिया, फिर उसके ऊपर अदरक लहसुन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि अच्छे से अंदर तक मसाला जाना चाहिए, कट नहीं थी हमारी फिश में तो मैंने कट लगा दिया, क्योंकि अंदर तक हमारा मसाले लगना चाहिए, और अच्छे से मसल के लगा रही हूँ गाइस, अंदर तक उसको पहुँचना चाहिए हमारी फ़िश फ्राई में। तो झटपट है ये बांगड़ा वाली थी गाइस, तो कल अचानक से अभी लेकर आ गए थे, और सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। तो चलिए, इसको सारे मसाले अच्छे से लगा कर मस्त मैं इसे मैरिनेट करके 1 आवर या 1/2 आवर रखी, माइकल 1/2 आवर में पका दिया कल। तो कुछ इस तरह से मेरी स्टोरी हो गई थी गाइस, पता नहीं क्या करूँ, किसकी नज़र लगी पता नहीं, 12 मिनट्स या 10 मिनट्स का डालती थी, अभी 4 मिनट और 5 मिनट का ही डाल रही हूँ, तो क्या करूँ गाइस, मुझे हो रहा नहीं, अभी भी नहीं हो लेकर था, फिर भी आपके लिए, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 4 मिनट का ही डाल रही हूँ, ओके गाइस। तो इसके लिए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, इधर तेल रख दिया गाइस, चैनल पर जो कोई नए हैं फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब करें उनको थैंक यू। तो चलिए, फिश बिस्मिल्लाह करके इधर पे डाल रही हूँ, ऑयल है ना थोड़ा डाल के, कभी भी वो फिश पकाती हूँ तो अभी इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल करूँ, थोड़ा डीप फ्राई करना है ना इसीलिए गाइस। तो ये थोड़ा कबाब टाइप का बना रही हूँ आज मैं, इसलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा देख कर डाल रही हूँ, ओके। तो देखिए गाइस, एक हाथ से फोन पकड़ कर हूँ, एक हाथ से फिश पलटा रही हूँ, नहीं हो रहा था तो पलटा दिया गाइस। तो चलिए, अभी मस्त बनी थी, तो आज की कहानी मेरी यही है गाइस, अच्छी लगी तो ज़रूर से बताना कमेंट्स में फ़िश फ्राई कैसी लगी, और ज़रूर से ट्राई करना ये वाली। तो इधर पे 2 पका दिया था और 2 लाकर आपको दिखा रही हूँ, तो फाइनली लुक ये है हमारा ऑसम सा नींबू निचोड़ के गाइस। क्या करूँ, 2 दिन से मैं आ नहीं रही हूँ, सामने आकर बात करेंगे तो नहीं हो रहा है, पर चलिए कोई नहीं, कल के व्लॉग में ज़रूर से इंशाल्लाह आऊँगी मैं, आज के व्लॉग में थोड़ा अजीज कर लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके गाइस। तो मेरे प्यारे यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से फिश फ्राई, आइए अभी बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ, बहुत ऑसम की तीखी वाली मस्त बनी थी, इसमें से नींबू निचोड़ के क्या ही मैं बताऊँ, मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है, बहुत अच्छी बनी थी कल की फिश फ्राई गाइस। तो कल की आज अपलोड कर डाल रही हूँ, ओके, वाह यम थी गाइस, इसलिए थोड़ा सा मैंने बिस्मिल्लाह कर रही, आइए अभी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करना। तो कुछ इस तरह सा आज का व्लॉग छोटा मोटा सा बना दिया मैंने, ओके गाइस, ओके। तो चलिए, बहुत ऑसम बनी थी इसलिए आप बता रही हूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, आपके प्यारे प्यारे दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।